दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में जीत के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद दूसरे मैच के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बीच उन्होंने टीम के अंदर जीत के बावजूद कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम के अंदर कौन से बड़े बदलाव किए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम किस खिलाड़ी को बाहर कर नए प्लेयर को ला सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारतीय टीम ने ग्वालियर के मैदान पर 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। ऐसे में अब भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर 9 अक्टूबर को खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। इस बीच भारतीय टीम जीत दर्ज करने के साथ सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन इस बीच दूसरे मैच के शुरू होने से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन को शामिल किया है, जिन्होंने पहले मैच में 29 रन का योगदान दिया था। हालांकि 29 रन की पारी खेलने के साथ उन्होंने विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान किया। ऐसे में यहां पर उनके एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ विकेट कीपिंग करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया है, जिन्होंने पहले मैच में 16 रन का योगदान देने के साथ सभी को प्रभावित किया था। हालांकि अभिषेक शर्मा रन आउट होकर पवेलियन को लौट गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से उनको यहां पर खेलने का मौका दिया गया है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर खेलने वाले हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 29 रन का योगदान दिया। ऐसे में यहां पर भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए नितिश रेड्डी को एक बार फिर से मौका दे दिया है, जिन्होंने पिछले मैच में 16 रन का नाबाद योगदान दिया था और गेंदबाजी के जरिए भी सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में इनका इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी, परंतु इनको एक बार फिर से दूसरे T20 मैच में खेलने का मौका दे दिया गया है। इतना ही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में भारतीय टीम के लिए बेहद मुख्य भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और गेंदबाजी के जरिए एक बड़ा विकेट भी लिया था। ऐसे में यहां पर एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया है, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए रियान पराग को मौका कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दे दिया है, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। हालांकि पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी दूसरे मैच में रहने वाली है। इतना ही नहीं, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया है, जो अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए अब दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, ऐसे में यहां पर भी उनसे बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मयंक यादव को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लेने के साथ अपने पहले ही ओवर में मिड इन रूप में डाला था। ऐसे में एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। ऐसे में इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ कप्तान बांग्लादेश को दूसरे मैच में हराने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।